जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनी श्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली हॉरोस्कोप लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और सितारे, तो सबसे पहले हम जानते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि ग्रह गोचर मतलब आसमान में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उस स्थिति को ग्रह गोचर कहते हैं। तो आज के दिन जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है, वहीं सूर्य देवता के मित्र बुध देवता भी सूर्य देवता के साथ ही मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता स्वयं अपने घर में वृष राशि में विराजमान हो रखे हैं, राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है, चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। यहाँ ग्रह गोचर में परिवर्तन आया है, ध्यान रखें। चंद्र देवता हैं, उनका विचरण कर्क राशि से समाप्त होकर सिंह राशि में प्रारंभ हो चुका है। केतु महाराज अपनी धनु राशि में विराजमान है, शनि देवता अपने स्वयं के घर में मकर राशि में विराजमान है, मंगल देवता यहीं पर यानी शनि देवता के घर में उच्च के होकर मकर राशि में ही विराजमान है, किंतु बृहस्पति देवता यहीं पर नीच के होकर, क्योंकि उनका ये दुश्मन का घर है, तो नीच के होकर मकर राशि में ही विराजमान है। यहां मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, मोबाइल ऐप हमारी, जिसके द्वारा वो फ्री में जान सकते हैं, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं अपनी किसी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, तो आप फ्री में अपनी परेशानियों का डायरेक्ट उपाय जान सकते हैं स्वामी प्रिंस ऋषि साधक एंड साधिका जी से। उसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो मोबाइल ऐप का लिंक है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक को क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर स्वामी प्रिंस ऋषि को आप फिलअप करके भेज सकते हैं अपनी परेशानियों को और उनका उपाय फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 2 मई सन 2020 नवमी तिथि है शुक्ल पक्ष के वैशाख मास की। आसमान में वृद्धि नामक योग बना हुआ है, माघ नामक नक्षत्र का उदय हुआ है आज, और जो अभिजीत यानी शुभ मुहूर्त है वह की बात करूं 12:00 से लेकर 12:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त होता है, और जो अशुभ मुहूर्त या राहु काल हम जिसे बोलते हैं वो आज सुबह 8:58 से लेकर 10:38 तक रहने वाला है। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत ही हमारे जो सब्सक्राइबर का जो बेस है वो 14,80,000 तक पहुंच चुका है, किंतु आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे इन वीडियोज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो लाल बटन आ रहा है वीडियो के नीचे उसको सब्सक्राइब कर और घंटे का आइकन दबाकर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और अगर आपको कोई वीडियो से संबंधित कोई और एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन या अपनी कोई रिक्वायरमेंट देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तुला राशि वाले व्यक्तियों बदनामी से सावधान रहने का भरपूर प्रयास कर लो, वरना बाद में पंगा ही पड़ेगा तुम्हारी जान को। अपने चित्त पर नियंत्रण रखें, जो बदनामी वाला है वो तराजू का पासन मत बनाइए कि बार बार आप बदनामी के झमेलों में फंस के अपनी बदनामी कराना चाहते हैं। परिवारजनों के साथ, माता के साथ और भाई बहनों को थोड़ा बहुत मना के जो आपके
बिगड़े हुए जो काम है, जो वर्षों से आप चाहते थे कि आपके पास अपना मकान दुकान हो, फिर शोरूम या गोडाउन में से कुछ, तो वो अपना, तो वो समय आ गया। इस समय का फायदा उठाकर आप खुद का कोई जमीन जायदाद खरीदने का प्रयास करें। किंतु जिन लोगों के पास ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, हर महीने किराया दे देकर दुखी है, ऊपर से मकान मालिक जब भी किराया लेने आता है तो साथ में आंखें दिखाता है, भाई किराया बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो मकान खाली कर दो, मकान को शोरूम गोडाउन जो भी आप किराए पे ले रखा वो खाली कर दो, इस तरह की धमकी देता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान, अपना शोरूम, अपना गोडाउन, अपना व्यापार स्थल या फैक्ट्री या वर्कशॉप इत्यादि नहीं है और किराया दे देकर दुखी है, तो ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी गृहों को स्ट्रॉन्ग करें, गाइए अपनी जन्म कुंडली कि क्यों ऐसा हो रहा है। सारी दुनिया के पास एक एक तो छोड़िए दो दो चीजें हैं, दो दो अपने मकान है या दो दो अपनी फैक्ट्रियां हैं, और आपके पास मात्र एक मकान या एक दुकान भी नहीं है अपनी। तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर अपॉइंटमेंट बुक करिए, हम आपकी जन्म कुंडली देखकर, और जन्म कुंडली नहीं है तो आपका चेहरा देखकर, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल, या आप स्वयं भी हमसे मिलकर अपनी इस परेशानी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में आपको एक या दो बार ही करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि आप स्वयं अपना घर, मकान, दुकान, कार्यस्थल, व्यापार, गोदाम, शोरूम इत्यादि खरीद सकें, उस जगह को खरीदने की क्षमता रख सकें, तो हम आपको इतने ग्रहों को माध्यम से इतना स्ट्रॉन्ग अवश्य बना देंगे। इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कराएं। साथ ही बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं, अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे निश्चित रूप से उनको फायदा होने की भरपूर संभावना है। बात करते हैं शत्रुओं की, जो शत्रुओं से परेशान है, कुछ ज्ञात शत्रु इनका आपको पता है, कुछ ऐसे शत्रु इनका आपको पता ही नहीं, आप मित्र समझ रहे हैं मगर वो आपके बीच में छुरा घोंप रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग परिवार के या घर घर के या दुकान आपके व्यापार स्थल के आसपास के लोग, कार्यस्थल के आसपास के लोग, जो आपको पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा अहित करना चाहते हैं आपका और आपके परिवार, तो ऐसे सभी पीड़ाओं से बचने के लिए, अगर आप सच में ऐसा महसूस करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है मगर आपको पता ही नहीं है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों से कहना चाहेंगे आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर जाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपायों के द्वारा अपने शत्रुओं को एक ऐसे बंधन में बांध सकते हैं जिससे वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाने सकें, और उल्टा उनके खुद के मन में इतना भय हो जाए कि वो आपके खिलाफ कुछ करने के से दूर चले जाए। तो उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं उन पर एक अपॉइंटमेंट बुक करानी है, वीडियो कॉल के लिए, फोन कॉल के लिए, ईमेल के लिए, या पर्सनल मिलने के लिए, और उस समय अपना चेहरा, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अपनी परेशानियां बताकर, छोटे से तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आपको साल में एक या दो बार से ज्यादा नहीं करने हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने शत्रुओं को अपने से दूर भगा सकते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि से सुरक्षित रख सकते हैं खुद को भी और अपने परिवार को भी। तो देर मत कीजिए, अभी फोन मिलाइए और संपर्क कीजिए। My name is Kuma. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर आमिर जी का पास आया, आमिर जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, इधर शनि मंदिर में आ जाओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा, 100% आपको वादा करता है। बात करते हैं जीवन साथी से संबंधित,
तो जीवन साथी से संबंधित आपको कुछ खुशखबरी निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। भाग्य की हालत आपके फेवर में नहीं है। अगर आप भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप अपने भाग्य के लिए कुछ प्रयास करिए कि आपका भाग्य ठीक हो सके। अगर इस कार्य में हम आपकी कोई सहायता कर सके तो हमें अत्यंत खुशी होगी। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के हालात निश्चित ही अब आपको कुछ आमदनी कराना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी कार्यस्थल के हालात में और निश्चित ही उसमें कुछ आपको आमदनी होने की संभावना प्राप्त होगी। वैसे भी आपके जीवन साथी की वजह से आपको आमदनी का भरपूर मौका मिल रहा है, उनकी मदद मिल रही है, तो इस कार्य को निरंतर सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास करते रहिएगा। बात करते हैं तुला राशि के उन प्रेमी प्रेमिकाओं की जो अपने माता की आशीर्वाद से अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किंतु जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं, साथी उनको धोखा दे रहा है या कोई तीसरा व्यक्ति उनके जीवन में अनवांटेड व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, उनके संबंधों को खराब कर रहा है या कोई तंत्र मंत्र के द्वारा उनके संबंधों को खराब करने की कोशिश हो रही है, पूजा पाठ के द्वारा उनके संबंध बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है या आपस में ही लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि अब सहना दुश्वार हो गया है, या फिर जो आप प्रेम संबंधों को शादी के मोड तक ले जाना चाहते हैं वहां आपका साथी जो साथी है वो जाना ही नहीं चाहता, तो ऐसे सभी केसों में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा जो आपको साल में एक या दो बार करने हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर और अपनी परेशानियों को डिस्कस कर हमसे मदद ले सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर एक वीडियो कॉल बुक करानी है या फोन कॉल बुक करानी है या ईमेल बुक करनी है या स्वयं मिलकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, उल्लू की बलि, सियार सिंह की बलि या पूजा पाठ के नाम पर किसी भी तरह का ढोंग या प्रपंच नहीं किया जाता। मात्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो आपके हाथों में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन उपायों के द्वारा हम आपको मदद पहुंचाने का, आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।